राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास की खुशियां जाहिर करते लोगों को रोकने की बात पर खरगोन जिले के दो प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। बताया जा रहा है कि उक्त घटना की सूचना और स्थानीय सांसद की पहल पर उक्त कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि मंदिर निर्माण की खुशी की लहर देश भर में शबाब पर थी, ऐसे में खरगोन के सराफा बाजार के व्यापारी आतिशबाजी करके खुशियां जाहिर कर रहे थे। तभी SDOP ग्लेडविन एडवर्ड डी कार ने मौके पर पहुंचकर खुशियां मना रहे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया, जिसे लेकर व्यापारियों सहित आम जन की भावनाएं आहत हुई और घटना के विरोध में सामाजिक संगठनों ने प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन भी सौंप दिया। लिहाजा मामले की भनक पर स्थानीय सांसद गजेंद्र पटेल ने पहल की और मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री से बातचीत करके SDM अभिषेक गहलोत और SDOP को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया। आदेश की सूचना पाकर आम जनों में खुशियों की लहर एक बार फिर दौड़ गई। इस दौरान सराफा व्यापारियों से मिलने पहुंचे सांसद गजेंद्र पटेल का लोगों ने भव्य स्वागत हुआ और मीडिया से रूबरू सांसद ने बताया कि राम के नाम पर शुरू से चली आ रही परंपरा निर्वहन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और आमजन को हक दिलाने के नाम पर उक्त कार्रवाई कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। तो पूरे देश में संत सनातन धर्म की खुशियां थी, देश का एक एक नागरिक इस बात से खुशी था कि पुरुषोत्तम श्री राम जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण का काम शुरू हो रहा है। मन की भावनाएं जनता की, लोगों की रहती है और सरकार ने भी तय किया था कि अपने अपने मंदिरों में अपन दीपोत्सव के माध्यम से, रामायण पाठ करने के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से हम भगवान को भी याद करें और इस भव्य अवसर पर इसको खुशी के रूप में जाहिर करें। और स्वाभाविक है कि मन की खुशियाँ जब घर में रहती है तो वो कहीं कहीं बाहर भी आती है, तो लोगों ने उसको पटाखे के रूप में, दीपोत्सव मनाने के रूप में करी। स्वाभाविक है कि मेरे भी लोकसभा का खरगोन शहर में लोगों ने अपनी खुशियाँ जाहिर करी है। पर एक छोटी सी घटना जिसे बताना कि हमें ठीक नहीं लगता कि पूरा देश यानी कि देशभक्त को रोका गया और यहाँ का खरगोन के जितना समाज है वो समाज एकता के साथ में जब सबके साथ खड़ा रहा, ये गलत कार्रवाई हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन से बात भी करी, ये जो हुआ है गलत हुआ है और गलत होने के साथ में जिसने इस अधिकारी किया है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से व्यवहार किया, उसका परिणाम होना चाहिए। कल ही मैं खरगोन में आकर मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दिलीप शर्मा जी, उन सबसे इस विषय पर मैंने बात करी और तुरंत निर्णय लेने का मैंने कहा और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा और पूरे खरगोन की शहर की जनता के आग्रह को स्वीकार कर मैं तुरंत कार्रवाई करी और जो प्रशासनिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत हटाया, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे नरोत्तम मिश्र जी का, पूरे खरगोन लोकसभा की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये देशभक्तों की सरकार है, ये देश में चलने वाली सरकार, और इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति राम के नाम से काम कर रहा है वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उसके पूर्वज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, देश के ऐसे कई क्रांतिवीर, कई कारसेवक इस निर्माण काम के लिए अपने अपने जीवन को त्याग दिया और इतना अच्छा अवसर पर इस प्रकार की कार्रवाई, इनके हमें शर्म से महसूस करती हूँ। इसके मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, उसका परिणाम सबके सामने, मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की हमारी सरकार। Subscribe now to most exciting channel ever.